बस गाइस बैक अगेन विद न्यू व्लॉग वीडियो आर एच एक। बस आज मैं आया हूँ सांता क्रूज और सांता क्रूज के ब्रिज। अरे बाप अरे भाई यहाँ पे इतना भीड़ क्यों है यार। तो बस यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो लगता है कुछ तो मैटर हो गया। और यार देखता हूँ जाके। अरे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, शायद कुछ तो हो रहा है। हाँ 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 यहाँ पे चलो देखते क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई यहाँ पे अभी तोड़फोड़ चालू है, क्योंकि यहाँ बुधवार को वेनेसडे को यहाँ पे सेंट क्रूज ब्रिज के नीचे जो ऐसे मतलब दुकान शॉप वगैरह लगते हैं ना, तो ये देखो जैसे कि ये दूध या यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है, ये शॉप है, ये पानी पूरी भी यहाँ पे मिलती है। तो ऐसे ना जाने कितने सारे शॉप यहाँ पे लगा हुआ होता है। और देखो कितना भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और अभी दही हांडी भी आ रहा है। तो एक्चुअली होता है क्या कि यहाँ पे आसपास जितने सारे दुकान होते हैं ना, ये सारे दुकान को मतलब ये म्यूनसिपैलिटी वाला तोड़ता तो ऐसा जानबूझ के नहीं है, बल्कि म्यूनसिपैलिटी वाला कहते हैं कि भाई तुम लोग थोड़ा अंदर अंदर मतलब खिसक के रहो। तो बंदे लोग करते हैं क्या कि थोड़ा रोड के और मतलब रोड टच होकर आ जाते, तो वहाँ पे गाड़ी वाड़ी जाना आना जाना ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती, दिक्कत। आई थिंक मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा तो उन्होंने यही कहा। और आप अभी देख सकते हैं लाइव, देखिए गाइस किस तरह तोड़फोड़ चल रहा है अभी। भाई जिन बंदे के ये शॉप है ना जाने, वो बंदे भी बहुत परेशान होंगे। एक्चुअली यार होता है ना कि ये देखो ना ट्रैफिक भी देखो उस तरफ की, और ट्रैफिक भी बहुत जाम होती है। मतलब शाम इवनिंग के टाइम आप देखे होंगे कि सांता क्रूज ब्रिज के नीचे तो ये शॉप लगी होती है, यहाँ पे भीड़ तो बहुत ही तबड़तोड़ होती है। और अभी सामने दही हांडी भी आ रहा है। और पता है यार जो जिन बंदे के शॉप होंगे उनके दिल में ना जाने कितने दुख होंगे। बस सब लोग तो दो पैसे कमाने के लिए बॉम्बे आते हैं, सही है ना। अभी म्यूनसिपैलिटी वाला का भी ये लोग अभी गलत नहीं, क्योंकि ये लोग पहले भी बताते भी है कि थोड़ा अंदर खिसक कर है ना, बट तो होता है क्या थोड़ा बहुत बाहर आ जाते तो पब्लिक की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और देखो किस तरह तोड़फोड़ हो रहा है, और इनके जो छत का जो देखो यार कुछ अलग ही हो गया। अभी क्या कर सकते हैं यार, बहुत ही दुख की बात है। सो गाइस मैं वहाँ पे कुछ लोगों से मैंने पूछा था कि भाई असल में ये कारण क्या है, एक्चुअली इस तरह जो तोड़फोड़ हो रहा है इसका क्या रीज़न क्या है। तो मुझे कुछ लोग इस तरह बताया था कि हर बुधवार को इस तरह होता है कि तोड़फोड़ होता है, क्योंकि ये जो शॉप वाले होते हैं कि इनको थोड़ा खिसक के रहने को बोलते, तो ये लोग थोड़ा और भी रोड टच हो जाते, तो इसके लिए बस मुझे दो तीन बंदे इस तरह मुझे आंसर दिया था कि कारण यही है। बट एग्जैक्टली मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि असल में मतलब मेन कारण है क्या इसका।